अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शेफ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआओं से। और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। और मैंने सोचा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। चिकन बिरयानी बना रही हूँ मैं टिक्का स्टाइल में। और जहाँ पे मैं करने लगी हूँ प्याज ब्राउन, दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, इनको मैं अच्छे से कर लूँगी ब्राउन। और आपको पता है कि जो बिरयानी में हम मसाला बनाते हैं उस पर थोड़ा टाइम लगता है। तो जहाँ पर मेरे पास है चावल, ये छिला चावल है और ये बिरयानी के स्पेशल चावल होते हैं। बिरयानी जो होती है ना अच्छी बनती है इन चावलों से। आप भी जो घर में आम चावल पकते हैं ना, जो हम बॉयल भी करते हैं या दूसरे बनाते हैं पुलाव वाले, उनकी बिरयानी मत बनाया कीजिए, छिला चावलों की बनाया कीजिए। छिला चावलों की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो जहाँ पर मैंने चावलों को भिगो दिया है और मैंने चिकन को मसाले लगाए थे, और मैंने ना इसको टिक्का मसाला लगाया था, दही लगाया था, और मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं फ्राई पैन में इसको डाल रही हूँ और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाला था। अब मैं इसको सारा फ्राई पैन में डाल के ऊपर से कवर करके और मैं मीडियम आंच पर इसको कुक कर लूँगी। और जब ये इसमें थोड़ा टिक्के का वो लुक आ जाएगा, फिर हम इसको बिरयानी में डाल देंगे। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। और दूसरी साइड पे यहाँ पे हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। जैसे ही प्याज मेरा ब्राउन हो जाएगा, मैं इसको टमाटरों के साथ ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्का जो हमारा है, इसने चिकन ने पानी छोड़ दिया है, ये इसी पानी में कुक हो जाएगा, अच्छी तरह गल जाएगा। और फिर जब इसमें टिक्का फ्लेवर आ जाएगा, टिक्का लुक आ जाएगी, फिर हम इसको बिरयानी में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जी प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसको चॉपर में ऐड कर रही हूँ, इस तरह से डाल रही हूँ इसमें। और साथ में टमाटर ऐड करूँगी। आपको पता है बिरयानी में ना टमाटर ज़्यादा ऐड डाले जाते हैं, उससे बिरयानी बहुत खट्टी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर से मैंने सारा प्याज डाल दिया है। तो चिकन जो है, चिकन टिक्का आलमोस्ट हमारा रेडी हो रहा है, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो जैसे ही ये ज़्यादा ड्राई होगा, फिर हम समझ लेंगे हमारा चिकन रेडी हो गया। और यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज ग्राइंड कर लिए हैं, और मैंने 5-6 टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं, और 3-4 टमाटर मैं इस तरह काट कर डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर बिरयानी में बहुत मज़े के लगते हैं, जब मसाले की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर इसको मैंने इसमें डाल दिया है 1 पैकेट बिरयानी मसाले का। और बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं, जो आपको जिस कंपनी का आप मसाले यूज़ करते हैं, तो जो आपको फ्लेवर ज़्यादा पसंद है जिसके, तो उसी कंपनी का आप यूज़ कर लें। और यहाँ पर मैं इसमें ना बिरयानी मसाला तो हम डाल चुके हैं, मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। और इसमें अब लास्ट पे जो ना हरी मिर्चें भी जाएंगी और धनिया भी जाएगा, तो पुदीना भी आप डालिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो, क्योंकि पुदीने की खुशबू बिरयानी में बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बड़े साइज़ की इस तरह कट लगा के डाल दूँगी, और साथ मैंने इसमें हरा धनिया धो के अच्छे से डाल दिया है। हरे धनिया को आप अच्छे से धो के डाला कीजिए, क्योंकि आपको पता है पत्ते पर ना थोड़ी थोड़ी डस्ट होती है, तो वो फिर खाने में अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जी पानी मैंने रख दिया है चावल बॉईल करने के लिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ दालचीनी, लौंग और 1 बादियान का फूल। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ मसाला, और नीचे हम थोड़ा सा ऑयली मसाला डालेंगे ताकि नीचे से बिरयानी हमारी लगे नहीं। तो आप ना नीचे लाजमी डाला कीजिए, नहीं तो नीचे वाले चावल चिपक जाते हैं, तो इस तरह हमारे चावल चिपकेंगे नहीं। जहाँ पर मैंने डाल दिए हैं चावल 2 प्लेट भरकर, और ऊपर फिर हम मसाले की तह लगा देंगे। ये आज मैं तह वाली बिरयानी बना रही हूँ, जो असल बिरयानी होती है। लोग ना मसाला रेडी करके उसी में चावल डाल के पका लेते हैं, वो पुलाव बन जाता है, बिरयानी इसी को कहते हैं जो तह लगा के बने। और जहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया है, देख सकते हैं टिक्का जो है ना लुक आ गई थी, तो बहुत मज़े की बिरयानी रेडी होगी। तो मुझे पता है आप सबके मुंह में पानी आ रहा है, उठें और उठ के बिरयानी बना लें। और यहाँ पे मैंने दूसरी तह में भी चावल डाल दिए हैं, और मसाला भी सारा डाल दिया था, धनिया डाल दिया है। और ये देखें जी, बिरयानी को मैंने दम दे दिया था 10 मिनट के लिए तवा रख कर। तवा रखने से चावल चिपकते नहीं हैं, मैं हमेशा तवा रख के देती हूँ दम। तो माशाल्लाह से बहुत ही खिली खिली सी हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, आप ज़रूर बनाइएगा।
अब मैं इनको प्लेट्स में डालूंगी। बहुत ही मजे की बिरयानी बनी है और खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो चलें जी बिरयानी को प्लेट्स में डालते हैं और बिरयानी इंजॉय करते हैं। आप सब भी बनाएं बिरयानी और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। तो जी आज की वीडियो इतनी सी थी, बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ और ये जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।